हेलो गाइस, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने बनाया है ये चॉकलेट वाला पॉट जो काफ़ी ट्रेंडिंग में है था। मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं भी बनाऊँ एक बार। मुझे बहुत सुंदर भी दिख रहा था वो, तो मैंने फाइनली आज बना ही लिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया ना कि चॉकलेट जो मोर्डे चॉकलेट होता है ना, मोर्डे डार्क कंपाउंड, वो मैंने लिया। उसको मैंने डबल बॉयलर में बॉयल करके इसको अच्छे से मिक्स किया और ये पूरा लिक्विड फॉर्म में बना दिया। लिक्विड फॉर्म में बनाने के बाद मैंने ये जो पेपर के कप आते हैं ना छोटे छोटे, मैंने ये पेपर के कप लिए और उसमें चॉकलेट डाल के उसको पूरा राउंड करके हिलाया और एकदम से पतला लेयर बनाया। 5 मिनट बाहर ही रहने दिया और वो अपने आप ही जम गया। फिर बाद में मैंने इसको अच्छे से निकाला। मतलब ये ना पहले पहले मुझे मुश्किल हो रहा था निकालने में। फर्स्ट वाले में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। सेकेंड वाले में थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ी। ये देखिए फर्स्ट वाला कितने अच्छे से निकल गया और ये सेकेंड वाला मैंने निकाला, इसमें मुझे थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ी, आराम से निकल गया। और जो लास्ट वाला था ना, ये थर्ड वन, वो तो इतनी ईजिली भी निकला ना कि सच्ची में रियली में बहुत ही सुंदर और एकदम फॉर्म में ही कप बनाया है। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। फिर मैंने क्या किया, इस तीनों को रखा। उसके बाद मैंने ओरियो के 2 पैकेट लिए, ओरियो जो कि छोटे वाले जो पैकेट आते हैं उसके 2 पैकेट लिए और उसको मैंने अच्छे से कूट कूट के ना इसकी मिट्टी बनाई, मतलब कि ओरियो वाले मिट्टी बनाई गमले के लिए, चॉकलेट वाले गमले के लिए ओरियो वाले मिट्टी मैंने ये बना ली। उसके बाद फिर इसको अच्छे से ये चूरमा बना दिया। चूरमा बना के दबा थोड़ा और, मैंने हाथों से भी दबा दबा के थोड़ा और चूरमा बनाया। उसके बाद ये सीज़र की हेल्प से मैंने पैकेट को खोला और मैंने ये देखिए, मैंने ये पैकेट खोलकर ये देखिए अच्छे से बन चुका है। हमारी मिट्टी पूरी बन चुकी है, हमारी मिट्टी रेडी है। ओरियो वाली मिट्टी चॉकलेट वाले गमले में जाने के लिए एकदम रेडी है। तो मैंने इसमें तीनों गमलों में, मतलब कि चॉकलेट वाले जो पॉट हैं उसमें तीनों में मैंने ये ओरियो के जो बनाया चूरा वो मैंने डाल दिया। ये देखिए अच्छे से मैंने डाल दिया, हाफ से थोड़ा सा, मतलब कि ज़्यादा मैंने फिलअप किया है। फिर ये छुटकू सा पार्ले जी लिया क्योंकि मुझे ना मिट्टी ब्राउन कलर की चाहिए थी, तो मैंने फिर ये पार्ले जी भी लिया, उसको भी चूरमा बनाया। उससे पहले ओरियो डालने के बाद मैंने इसमें थोड़े से कंडेंस मिल्क डाले क्योंकि वो थोड़ा लिक्विड भी होना चाहिए तो, और क्योंकि फिर दोनों बिस्किट डालेंगे तो वो थोड़ा रफ लगेगा, इसलिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा भी हमें खाने में भी अच्छा लगे। तो ये उसके बाद मैंने जो पार्ले जी को चूरमा बनाया था वो उसके ऊपर डाल दिया। तो ये मुझे ओरिजिनल मिट्टी, मतलब रेत वाली जो मिट्टी होती है ना, वैसी लगी। तो बड़ा प्यारा लग रहा था, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और ये मतलब ये मैं तो देख के ही मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैंने कहा कि वाह, ये ग्रीन कलर पुदीना डाला तो और सुंदर लगने लगा। फिर मैंने थोड़ी सी मिट्टी ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ मिट्टी है, तो अच्छे से इसको गमलों को अरेंज किया और उसमें पार्ले जी के जो चूरा बनाया था वो डाल दिया। फिर मैंने इसको तोड़ा और ये पता है चॉकलेट कितनी ईजिली कट गया था, इतने अच्छे से कट गया था। फिर भी मैंने थोड़ा सा अच्छे से किया उसको, मटके को, मतलब ये पॉट को तोड़ा और इसकी पूरी निकाली भी चॉकलेट और मिल्क में। इसका जो डेडली कॉम्बो था ना, अमेजिंग था गाइज। आप भी बनाओ एक बार, ट्राई करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।